2022 में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी से कुशाग्र सागर और बहुजन समाज पार्टी से जयपाल सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। सभी प्रत्याशी जीतने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वहीं आज हम बात करेंगे बिसौली विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में। बदायूं जिले के बिसौली विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला होगा। सपा के गढ़ में बीजेपी ने मात दी थी। बिसौली सीट पर 2017 के पहले 3 बार सपा का कब्जा रहा है, लेकिन वर्तमान में यहां बीजेपी से कुशाग्र सागर विधायक का कब्जा है। बिसौली विधानसभा सीट पर बड़ी बात यह है कि 2017 में सपा यहां तीसरे नंबर पर चली गई थी। अब फिर 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तमाम विधायक और मंत्रियों ने भाजपा का दामन छोड़ सपा का दामन पकड़ा। इससे वर्तमान स्थिति में बदायूं जिले की बिसौली विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। कहना यह है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों सबका शोषण करने वाली पार्टी आज पूर्णतया धराशायी हो गई है। उसके ना तो विधायक रुक पा रहे हैं, ना मंत्री रुक पा रहे हैं। ये जो इन्होंने अन्याय अत्याचार युवाओं की रोजगार छीना है, तो अब समय आ गया है इनको जवाब देने का। अब जो इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, युवाओं का रोजगार छीना था, आज युवा इनका रोजगार छीन लेगा। अच्छा, बात करें दो बदायूं बिसौली विधानसभा ही नहीं, बदायूं जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और पिछले कुछ समय में कुछ लोग भटक गए थे, कुछ जगह हम लोग समझा नहीं पाए, इसलिए ये 2 बार पिछला चुनाव इसलिए लूज हो गया था। लेकिन इस बार पूर्ण बहुत अच्छे मतों से हमारे बिसौली की सीट आपकी समाजवादी पार्टी की जीतेगी। और जो भी कारण रहे, ये गढ़ है और गढ़ रहेगा। शिक्षा स्तर की बात करें तो बिसौली इतना बड़ा आबादी वाला शहर है, विधानसभा है जिसमें कि केवल मात्र एक राजकीय इंटर कॉलेज है और डिग्री कॉलेज एक है, इस संबंध में क्या कहें? इस संबंध में ये कहना चाहूँगा, मैंने 97-98 में नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, तब ये मात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था लड़कियों का, इसको भी इंटर कॉलेज कराने वाले हमारा ही आंदोलन था और समाजवादी के आंदोलन के तहत ही इसको किया गया। गैस एजेंसी को भी समाजवादी आंदोलन के तहत लाया गया और तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह के कार्यक्रम जो बिसौली क्षेत्र का जितना विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने कराया। डिग्री कॉलेज हमारे माननीय प्रोफेसर साहब की देन है, रोडें आपने देखी ली, यहाँ पावर बिजली घर की बढ़ाने का काम भी रामगोपाल जी और माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने किया। अभी एक निश्चित मान लीजिए, अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है, विधायक जी होते हैं, तो एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज यहाँ अवश्य खुलेगा। और ये हमारी पहले से मांग है, हम इसके लिए अपने बोर्ड के माध्यम से, अपने जिला पंचायत के माध्यम से और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में एक राजकीय इंटर कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज और मेरा प्रस्तावित है, जैसे भी होगा मैं जिससे जरूर बनूंगा। अच्छा, अगर 2022 में समाजवादी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या विशेष सरकार का वो रहेगा? युवाओं की बहुत बड़ी आशा माननीय अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। भाजपा छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अन्य दलों से 2017 में जो लोग आए थे और जिनका रिपोर्ट कार्ड इन 5 वर्ष की सरकार में बहुत ख़राब रहा है, ऐसे सम्मानित विधायक गणों का पार्टी टिकट काट रही है और उनको इस बात का आभास हो गया था कि पार्टी हमारे टिकट काट रही है। और ये जो 8 लोग गए हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सहित, वो सभी लोग, उनका टिकट पार्टी काट रही थी। उन्होंने 5 वर्ष तक अपने क्षेत्र में कुछ नहीं करा और इस वजह से वो अन्य दलों में केवल और केवल इसीलिए गए हैं कि अन्य दलों से वो टिकट प्राप्त कर लें,
लेकिन आप ये निश्चित मान के चलिए कि इस 5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनता तटस्थ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और आज बड़े मैं आशा और विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो आप निश्चित रूप से जो आज आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, आज जो आप बाइट ले रहे हैं, 10 मार्च को भी आप मैं ज़रूर आपको मिलूंगा, तब आप कहिएगा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी संख्या के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं जिस पार्टी से मुझे छोड़ गया, मैं जिस पार्टी को मैंने छोड़ दिया उसका आता पता नहीं रहता है, इसी तरीके से बीजेपी का भी कुछ नामो निशान नहीं रहेगा। देखिए कभी भी बड़बोलापन राजनीति में बहुत अच्छा नहीं होता है, मेरी भी उनसे काफ़ी निकटता रही है, इसलिए मैं कुछ अवैधानिक बात भी नहीं कहना चाहता और कहना भी नहीं चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन व्यक्ति कभी भी सर्वोपरि नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश की ही नहीं विश्व की बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितने लीडरशिप है, बहुत बड़ी लीडरशिप है, इसलिए ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई एक व्यक्ति कहीं भी वो कर सकता है। और ये चुनाव परिणाम 10 मार्च को जो चुनाव परिणाम आएंगे तब आपके लिए स्वयं इसका एहसास हो जाएगा।